फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मस्त किचन वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले मेरा प्रीवियस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, जो कि आटे की नमकीन का रेसिपी है। उस वीडियो में व्हीट फ्लावर के जगह पर बाय मिस्टेक प्लेन फ्लावर लेवल हो गया है। इसके लिए आप सब लोगों से क्षमा चाहती हूँ। ये नमकीन गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लावर से ही बना है और मेरा आज का रेसिपी है कॉकटेल समोसा। दिवाली में गेस्ट्स को वेलकम करने के लिए ये बहुत ही सुटेबल स्नैक है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे बनाने के वक्त मैं कुछ टिप्स बताती रहूंगी, उसे ध्यान से फॉलो करें, फिर ये कॉकटेल समोसा परफेक्ट बनेगा। इसे चने की दाल के साथ बनाया जाता है और इसको एयरटाइट कंटेनर में 7 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव वन मस्त किचन टू प्रिपेयर कॉकटेल समोसा। कॉकटेल समोसा बनाने के लिए एक दिन पहले आधा कप चना दाल भिगो के रखें। चना दाल को 10 से 12 घंटा या ओवरनाइट भिगो के रखें। ओवरनाइट भीगने के बाद चना दाल वॉल्यूम में ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अब इसको अच्छी तरह धो के छान लें और एक ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दें। चना दाल के साथ ग्राइंडिंग जार में 2 चुटकी हींग, नमक स्वाद अनुसार और 1/3 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें। अब ग्राइंडिंग जार का ढक्कन बंद करें और इन सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लें। एक बार ग्राइंड करने के बाद दाल को एक बार चेक कर लें। अगर ये ड्राई है तो ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसको दोबारा ग्राइंड कर लें। पानी ऐड करने से दाल अच्छी तरह ग्राइंड हो जाता है और एक स्मूथ पेस्ट बन जाता है। हमारा दाल अच्छी तरह ग्राइंड हो गया है, ये ऑलमोस्ट स्मूथ पेस्ट ही बनेगा। ये देखिए, अब समोसे के आउटर कोटिंग के लिए डो बनाएंगे। इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में 1 कप मैदा लें और इसमें 1/4 कप तेल ऐड करें। आप 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करें। अजवाइन को ऐड करने से पहले हाथों से अच्छी तरह तोड़ लें, इसे समोसे की टेस्ट बढ़ जाता है। अब नमक स्वाद अनुसार ऐड करें और 1 चम्मच से इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब आटे को हाथ से 1 मिनट के लिए मोयाम दे दें। इसे समोसा अच्छा और खस्ता बनता है। आटे का टेक्सचर कुछ ऐसा ब्रेड क्रम्स जैसा बनेगा। अब आटे में गुनगुना गर्म पानी ऐड करें और आटे को नीट करते हुए एक सख्त डो बना लें। ध्यान रहे दोस्तों, आटे का डो सख्त ही होना चाहिए, नहीं तो समोसे में बबल्स आ सकता है। हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको मिनिमम 30 मिनट्स के लिए ढककर रखेंगे। अब हम समोसे की फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए एक पैन में 1 टेबल चम्मच तेल गरम करें। तेल गरम होने पर इसे अच्छी तरह कढ़ाई में फैला दें और इसमें पीसी हुई चना दाल मिक्सचर ऐड करें। चना दाल को हम लो मीडियम फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक ये पूरी तरह ड्राई ना हो जाए। इस प्रोसेस के लिए 3 से 4 मिनट लगता है। चना दाल मिक्सचर ड्राई हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे। अब हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच धनिया और 1/2 छोटी चम्मच सौंफ रोस्ट करेंगे।
ठंडा होने के बाद इसको एक ग्राइंडिंग जार में डालें और इसके साथ आधा कप भुजिया भी ऐड कर दें। इसे कॉकटेल समोसा की टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। भुजिया के जगह पर आप कोई भी दूसरा चटपटा मिक्सचर ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस और भुजिया को एक साथ ग्राइंड करके एक पाउडर बना लें। अब एक मिक्सिंग बोल में चना दाल मिक्सचर ऐड करें और भुजिया मिक्सचर भी ऐड कर दें। अब हाथों से नीट करके एक डो बना लें। डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें। आधा घंटा बाद आटे की डो को एक और मिनट के लिए हम नीट कर लेंगे। आटे को 12 से 14 छोटा छोटा इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। हाथों से गोल करके ऐसे फ्लैटन कर देंगे। अब एक बेलन से बेलकर पूरी का शेप देंगे। अब एक शार्प कटोरी से इसे काट ले। इसे शेप परफेक्ट आता है, पर आप बिना काट के भी इसको बना सकते हैं। पूरी को ऐसे दो टुकड़े में काटें और हर एक टुकड़े को ऐसे फोल्ड कर दें और फोल्ड करने से पहले एज पर पानी लगा दें। इसे अच्छी तरह चिपक जाता है। ऐसे दो उंगली की सहायता से प्रेस करके चिपका दें ताकि फ्राई करने के टाइम ये खोल ना जाए। इस तरह एक कोन बना लें और एक हाथ में ऐसे प्लेस करें और दूसरे हाथ से थोड़ा सा फिलिंग लेकर इस कोन के अंदर डाल दें। ये काम थोड़ा केयरफुली करें और उंगली से जेंटली ऐसे प्रेस कर दें। आप इस दोनों एज पर भी थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको चिपका दें। उंगली से जेंटली प्रेस करते हुए अच्छी तरह समोसा को चारों तरफ से चिपका कर लॉक कर दें ताकि फ्राई करने के वक्त ये खोल ना जाए। ये देखिए दोस्तों, एक समोसा की शेप हमने दे दिए हैं। ऐसे हम सारे समोसे बना लेंगे। समोसा को शेप देने का तरीका ध्यान से नोटिस करें। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एज में पानी लगाकर अच्छी तरह स्टिक करना जरूरी होता है और ये काम ध्यान से करें। हमने सारे समोसे को शेप में बना दिया है। अब इस समोसे को टेबल के ऊपर या किचन स्लैब के ऊपर आधा घंटा के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दे। इसे समोसे में बबल्स नहीं आता। आप एक पैन में तेल गरम करें। फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखें और तेल को भी ज्यादा गरम ना करें। लो फ्लेम पर 2 से 2.5 मिनट के लिए तेल गरम करने के बाद एक एक करके समोसा छोड़ें। कढ़ाई की कैपेसिटी अनुसार समोसे छोड़ें, बहुत ज्यादा ओवरलोड ना करें। समोसे को तेल में रिलीज करने के बाद ऐसे ही 4 से 5 मिनट तक अपने आप ही फ्राई होने दें। इसमें चम्मच ना चलाएं। चार से पांच मिनट बाद कढ़ाई को ऐसे पकड़ के जेंटली 2 से 3 बार श्विल कर दें। समोसे तेल के अंदर डूब जाने के बाद इसे चम्मच से फ्लिप करते हुए चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। समोसे गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इस बैच को तेल से निकाल लें और एक किचन टॉवल में रख दें। इससे एक्स्ट्रा तेल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरीके से सारे समोसे फ्राई कर लें। समोसे फ्राई करने के प्रोसीड्योर भी केयरफुली नोटिस करें।
इस रेसिपी के साथ आप बहुत ही अच्छा कॉकटेल समोसा घर पे बनाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रेसिपी। इसे अपना किचन में जरूर ट्राई करें, और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।